समाज साहित्य का करे अनुकरण, साहित्य समाज का है दर्पण। साहित्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 का शानदार तरीके से उत्साह के साथ आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन के दूसरे सत्र में उर्दू और हिंदी हमारी मातृभाषा को कैसे बढ़ा सकती हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AEFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर रचना निर्मल, कवियत्री और लेखिका, डॉक्टर पल्लवी प्रकाश, लेखिका, फिल्म मेकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, पूनम कालरा, लेखिका एंड मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर विवेक गौतम, लेखक और चेयरमैन उद्भव, प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत, थॉट लीडर एंड लेखक, सुनील सालगिया, स्क्रिप्ट राइटर, रईस आजम खान, लेखक और कवि, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AEFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हर देश की अपनी एक भाषा बोली होती है और उसका अपना एक साहित्य भी होता है। साहित्य लिखना और उसको इतिहास बना देना, और ऐसा इतिहास जो अनंत काल तक चलता रहे और पढ़कर हमें ऐसा लगे कि देश की वर्तमान स्थिति तो अभी भी है, यानी आपकी सोच इतनी विस्तृत होनी चाहिए। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर पल्लवी प्रकाश द्वारा लिखी किताब लव बियॉन्ड फॉरएवर का विमोचन किया गया। साथ ही AEFT स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज़लेटर डे 1 का पोस्टर लॉन्च भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे सेशन को खत्म किया है और जिसके अंदर पूरा तवज्जो दिया गया था कि हिंदी और उर्दू को जोड़ के हम अपनी भाषा को किस तरीके से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब हम उर्दू और हिंदी को हकीकत में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी इतनी पुरानी भाषा है उसी प्रकार से कई सौ सालों से उर्दू जो है वो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है, और हमारी आम जनता जो है और हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है उसमें भी हम हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो खूबसूरत शब्द उर्दू का है, इस्तेमाल जो शब्द है उर्दू का है, ये खुद ब खुद निकलते हैं, खुद ब खुद ही अपने आप फिर उर्दू का शब्द निकलाता है। तो ये हमारी एक रोजमर्रा की जो भाषा है वो इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि हम इनको दोनों को अलग नहीं कर सकते, तो दोनों को मिलके ही रहना है, जैसे दो भाई एक छत के नीचे मिलकर रहते हैं। और मुझे खुशी है कि देश भर से और दुनिया भर से लोग इस वक्त इस सेशन में मौजूद थे और लोगों ने अपने विचारों को बड़े खूबसूरत ढंग से रखा है, जिसमें तमाम ऑडियंस को बड़ा मजा आया, उन्हें बहुत खूबसूरत बातें सुनने को मिली। और इसके बाद हम लोग अब अगले कवि सम्मेलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको कभी नहीं भूलें, और हिंदी के साथ उर्दू जो मिक्स है वो हमेशा रहेगी, उसको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। तो उसको मारवा जी तो इतने अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं, मारवा जी के लिए तो जितना बोलो उतना कम है, उनकी स्पीचेस इतना अच्छा बोलते हैं वो, उनके हर वर्ड में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, मारवा जी के लिए जितना बोलो कम है। Well, the moment I entered, I got a vibe that this is a happening place. I could see the joy on the faces of the students here and the kind of enthusiasm they had. It was amazing. I've been to various institutes, but here the vibe was very, very welcoming. And then when I was there at the hall, before that, Ms. Dr. Sandeep Marwa, an amazing personality. I met him for the first time, but
what a personality and what a speaker he is. So I got to know him, and then when we were there at the session was attended by some very good speakers and people who are very knowledgeable in the field. Hello everybody, this is Dr. Pallavi Prakash, and I'm really honored and humbled to be guest of honor in 10th Global Film Festival at Film City Noida. और अगर मुझसे पूछो कि आज की मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही पूरे दिन की, तो मैं कहूँगी ऊर्जावान, सूर्तिवान और जोश से भरी हुई. सो आई रियली कैटलाइज्ड मायसेल्फ एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर, एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर.